रैम होती क्या है, रैम कितनी जरूरी है हमारे फोन्स के लिए और कितनी रैम हमारे लिए ठीक होगी, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि रैम होती क्या है। देखिए रैम की जो फुल फॉर्म है इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इससे कुछ समझ में नहीं आता है कि रैम क्या होती है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। दोस्तों मानिए कि आप एक ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं और आपको काम करने के लिए कुछ फाइल्स की जरूरत है और वो फाइल्स एक दूसरे कमरे में रखी हैं, तो आप क्या करेंगे कि जब आपको जिस फाइल की जरूरत होगी आप उठ के जाएंगे उस कमरे से और वो फाइल लेके आ जाएंगे अपने डेस्क पे और अपना काम कर लेंगे। अब मान लीजिए आपको एक काम ऐसा है जिसके लिए आपको बहुत सारी फाइल्स की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे जब उस फाइल्स वाले कमरे में, तो जब आप फाइल्स लेके आएंगे तो आपको उनको रखने के लिए अपने डेस्क पे जगह भी चाहिए। अगर आपकी डेस्क बड़ी होगी तो आप एक साथ बहुत सारे अलग अलग कामों की फाइल्स लाके वहां पर रख सकते हैं और जैसे जब जरूरत पड़ी आपने वहीं से ही फाइल उठा ली और अपना काम कर लिया। जब आप शाम को अपने घर जाएंगे ऑफिस से तो आप क्या करेंगे, सभी फाइल्स को उठा के वापस उस कमरे में रख देंगे। तो देखिए मोबाइल फोन में भी रैम कुछ ऐसा ही काम करती है। आप मान लीजिए कि वो जो कमरा है वो आपकी स्टोरेज है, वो आपकी इंटरनल मेमोरी है या मेमोरी कार्ड है, और वो जो डेस्क है वो आपकी रैम है। रैम क्या होता है, एक बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है। जैसे कि मान लीजिए आपकी जितनी की 16 GB और 64 GB की मेमोरी बनने में जितना खर्चा आता है, उससे ज्यादा खर्चा एक 1 GB की रैम बनाने में आ जाता है, क्योंकि रैम जो है उसकी स्पीड बहुत बहुत ज्यादा होती है। एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव या एक नॉर्मल मेमोरी कार्ड वो स्पीड को कभी भी मैच नहीं कर सकता। और रैम जो है वो काम करती है सीपीयू को जो भी फाइल्स चाहिए उनको जल्दी से जल्दी भेजने का वहां तक। तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए आपने गेम इंस्टॉल किया है या मान लीजिए आपने कुछ एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की है, तो वो तो आपकी मेमोरी में इंस्टॉल हो गई है, वो आपकी रैम में इंस्टॉल नहीं हुई है। रैम तो आपकी जो है वो जब आपका फोन ऑन होगा तब वो काम आती है। जैसे ही आपने उस एप्लीकेशन को क्लिक किया, जैसे ही वो एप्लीकेशन रन होने वाली है, वो वहां से उठ के रैम में आ जाती है, ताकि जब तक वो आप एप्लीकेशन यूज करें तब तक रैम से और सीपीयू के बीच में वो जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन को भेज पाए और जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर पाए। अगर वही आपके फोन में रैम बहुत कम है तो अक्सर ऐसा क्या होता है कि मान लीजिए आपने 4 एप्लीकेशन खोलनी है, जब आप 5वीं खोलते हैं तो उन चारों में से कंप्यूटर किसी एक को या किन्हीं दो को हटा देता है रैम से और वो एप्लीकेशन को लोड कर लेता है रैम में। फिर जब आप दोबारा से उस एप्लीकेशन पे जाते हैं जो आप पहले यूज कर रहे थे, तो उसको ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उसको दोबारा से रैम में लोड करना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ज्यादा रैम जो होती है वो मल्टीटास्किंग के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, और आप एक साथ 10, 15, 20, 50 एप्लीकेशंस को रैम में लोड कर सकते हैं। रैम में किसी प्रकार की जगह की कमी नहीं रहेगी। अगर जगह की कमी नहीं रहेगी तो सीपीयू जो है वो उन एप्लीकेशंस को रैम से बाहर नहीं निकालेगा, और जैसे ही आप अलग अलग एप्लीकेशंस आगे पीछे खोलेंगे तो वो जल्दी जल्दी खुलती जाएंगी। अब देखिए हम बात करते हैं कि रैम कितनी जरूरी है। देखिए जहां तक आजकल के मॉडर्न स्मार्टफोन्स की बात है तो 2 GB रैम तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट बन गई है। अगर 2 GB से कम होगी तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है आपको, क्योंकि आजकल क्या है एप्लीकेशन के जो साइज है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे एक फेसबुक की एप्लीकेशन की अगर बात करें तो वो जब ओपन होती है तो उस टाइम पे कम से कम 200 से 300 MB रैम कंज्यूम करती है। ऐसे ही जितनी भी और एप्लीकेशन है उनका जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है एप्लीकेशन की क्वालिटी के साथ साथ, और इसीलिए उनका रैम यूजेज भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फोन में ठीक ठाक मल्टीटास्किंग कर सकें तो 2 GB तो एक कम से कम जरूरत बन गई है। 3 GB और 4 GB रैम क्या आज के टाइम में जरूरी है? देखिए मैं कहूंगा जरूरी तो नहीं है, काम तो आपका 2 GB से चल जाएगा फर्स्ट क्लास, लेकिन अगर हो तो बेहतर है फ्यूचर के लिए, क्योंकि रैम वो चीज है जिसको आप बाद में अपग्रेड नहीं कर सकते। स्टोरेज की तरह नहीं है कि आपने अगर मेमोरी कार्ड स्लॉट है आपने लगा लिया तो आपके पास स्टोरेज आ जाएगी। रैम जो है वो आप केवल कंप्यूटर्स में और लैपटॉप्स में बढ़ा सकते हैं, मोबाइल फोन्स में आप रैम को बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे यूजर्स के अंदर ये मिसकंसेप्शन है, ये एक अलग तरह की उनको इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने रूट कर लिया है फोन को तो आप रैम बढ़ा सकते हैं। जी नहीं, नहीं बढ़ा सकते। कुछ एप्लीकेशंस हैं जो क्या करती हैं, जो आपकी मेमोरी है उसको वो रैम में कन्वर्ट कर देती हैं, वो आपकी इंटरनल मेमोरी की 1 GB को रैम में डाल देंगी। लेकिन आप सोच के देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रैम जो है वो बहुत बहुत हाई स्पीड होती है, तो क्या आप वो उस हाई स्पीड मेमोरी को एक नॉर्मल इंटरनल स्टोरेज के साथ में कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उससे आपका फोन उल्टा स्लो हो जाएगा। जब वो मेमोरी के उस हिस्से को रैम की तरह यूज करेगा तो आपका फोन बहुत ही स्लो हो जाएगा। इवन कंप्यूटर्स के अंदर भी विंडोज में एक ऑप्शन होता है कि आप पेन ड्राइव को रैम बना लीजिए, आप इसको रैम बना लीजिए, तो वो सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन है।
जो असल में आप रैम अपग्रेड करेंगे वो कहीं पे भी उसको टक्कर नहीं दे सकता है, वो सिर्फ थोड़ा बहुत आपको लैग से बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बिना रैम लगाए 4 GB का पेन ड्राइव खरीद लिया और आपने 4 GB की रैम बना ली, ऐसा नहीं होता है। दोस्तों रैम में एक और खास बात होती है, रैम की स्पीड। सभी 2 GB की रैम एक जैसी नहीं होती, सभी 3 GB की रैम भी एक जैसी नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि प्रोसेसर्स के अंदर भी एक स्पीड होती है जिसको हम बोलते हैं गीगाहर्ट्ज में, जिससे उसकी जो क्लॉक है जो जिस स्पीड पे काम करता है वो बताती है हमको। ऐसे ही रैम में भी, रैम की स्पीड होती है, रैम में भी एक क्लॉक लगी होती है जिसकी मदद से रैम काम करती है। तो देखिए ये जो आप सुनते हैं DDR2, DDR3, DDR4, ये सभी वो स्पीड है, वो अलग अलग कैटेगरी है। और उसमें भी जैसे आपको बताऊंगा मैं, मान लीजिए 800 MHz की रैम है या 1000 MHz की रैम है या मान लीजिए 1400 MHz की रैम है, तो जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी होगी। जितना हो सके ज्यादा रैम वाला फोन ले लें, उसका कुछ नुकसान नहीं है, उल्टा आगे चल के आपको 2-3 साल में जब और आपको नए अपडेट्स मिलेंगे, जब एप्लीकेशन के साइजेस और बढ़ जाएंगे, तो उस टाइम पे वो रैम आपके काम आएगी। और आज की डेट में ज्यादा लेने का फायदा यह है कि आप आगे तक अपने फोन को यूज कर पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं रोजाना आपके लिए एक टेक वीडियो लेके आता रहता हूँ। कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियोस को लाइक और शेयर करके अपना प्यार यूं ही देते रहिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।